भाई मजाका की बात अलग है पर सही में भाई मौसी का बिजनेस फुल जोरों शोरों पे है, ब्याह ने भी नहीं छोड़ती। स्वागत है कनिका राणा ब्लॉग चैनल पर। और आज जो आप ये देख रहे हो, रात का टाइम हो रखा है, मैंने ब्लैक साड़ी पहन रखी है, ऑल ब्लैक हो रखा है सब कुछ। मम्मी बैठी है, मनीष बैठा है और हम जा रहे हैं बहन की शादी में। मौसी की बेटी का बेटी की शादी है श्वेता, जिसको मैंने दिखाया था आपको पिछले ब्लॉग में। तो अभी आज मैं बहुत ज़्यादा डाउन हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, इसलिए मैंने ब्लॉग भी नहीं डाले एक दो दिन। तो अभी बहुत हिम्मत करके मैं ब्लॉग बना रही हूँ कि ये वाला शादी तो मैं आपको दिखा के ही रहूँगी। इतने दिन से बोल रही थी शादी की तैयारी चल रही है, शादी की तैयारी चल रही है, अगर शादी नहीं दिखाई तो फिर रह गया गया। तो अभी वैसे अच्छा है, देखा आप लोगों के लिए कर रही हूँ तो धीरे धीरे शरीर में जान आ रही है, अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे एक पॉजिटिव वाइब आ रही है, बोला जा रहा है। What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. सारे एक साथ आए हैं, ये सारी गाड़ी मारी है जितनी भी है, मौसी मामा और ज्यादातर लोगों ने ब्लैक पहन रखा है। ड्रेस कोड है वो। मामी नमस्ते, हेलो। आगे सारे। आगे आगे। हाँ, मेरे मामा हैं। कुछ भी ना आया, इस बारी सब कुछ खा लिया। अले छोटे, भूल रहे थे लोग, तो ना आ जाए कर कदे कदे वीडियो में। राम राम, खान पीन में लग रहे हैं सारे भाई। जो श्वेता की शादी है, एक स्मॉल वेडिंग है, बहुत तामझाम नहीं है और छोटे से छोटा सा प्रोग्राम है। घर घर के बुला रखे हैं सारे रिश्तेदार वगैरह, और अभी पीछे भात लेने की तैयारी हो रखी है, तो गीत बात शुरू हो रखी है लुगाई आगे। मेरी राज एकदम फोन पकड़न की भी ना आज। हाँ, थोड़ा खाना से दिया, रात ने गणा गेवर खा लिया। हाँ, उस तो पहले आधे किलो और जा रहा था अंदर, मन ने क्या पता था सीधेगा। हाय त्रिवी, हेलो करो। हेलो, ये बहुत गर्मी है आज, हवा भी नहीं चल रही है, थोड़ी सी एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है, सबका बुरा हाल हो रखा है। भाई मजाका की बात अलग है पर सही में इन्हें कैमरे आला ना बुला रखा, नू सोचा थे कि मैं तो व्लॉग बनावे धागा वो कह देख लेंगे, क्यों खर्चा भी करा और कुछ सारे। चलो गाइस, आपको ब्राइड से मिलवाते हैं, आ गई है रेडी होके। और कोई आना? अच्छा, बड़ बात ले है, ये बड़ बात ले लग रहे हैं। हेलो, कांग्रेचुलेशंस। अच्छा, देख लो भाई ब्राइड को, संध्या मामी ड्यूटी पे लगा रखे हैं, ब्राइड ड्यूटी पे इबे आई है ना, कोई ध्यान नहीं देता पूरे घर में, सिर्फ भी पिता में देख रही होगी, मारे टाइम से ब्याह करवा दिया। अरे भाई, हम आपके बाद देख कर लाए ना, जब तक वो खा रहा है ना। आरओ आइसक्रीम लाया था सब ताई, इतना कैमरा खोल लाया, इतने सब नठाली भाई।
या तो मेरे तो दे दे मैंने चाखी भी ना है तेरे तीन चार खा लिया अभिषेक भाई का प्यार उमड़ रहा है अब चला ले मुंह सुन हो गया पूरा भाई मौसी का बिजनेस फुल जोरों शोरों पे है ब्याह ने भी नहीं छोड़ती कित जाएगी इतने पीछे कमा के है हम जा रहे हैं सब बैठे हैं बाहर इतनी गर्मी है सब एसी वाला रूम पकड़ के बैठे हुए हैं और अभी मेरी तबीयत डाउन हो रही है तो मैं जा रही हूँ घर पे तो इसलिए कि ज़्यादा तबीयत और ख़राब ना हो जाए अभी हम निकल रहे हैं घर के लिए बाकी अभी श्वेता के फेरे नहीं हुए हैं तो अभी वो सब देख के जाएंगे हम अभी निकल रहे हैं ब्याह इज़ ऑन पर हम ऑफ हो रहे हैं जा रहे हैं घर पे हाय किधर आ गए सारे सूट साट ले हैं भातिया के जो आए थे ना आगे के भात के और जो वो थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ होया कर रहे हैं मान मून की तो वो सारी करी हैं कौन सा आया लूचरा घेरता हुआ चीज़ा ने क्या होया टूट गया हाथ पन्नी पाट के हाथ में रह गई पन्नी बाकी सब अच्छा मिठाई क्यों है मिल गई होंगी मिठाई सूट चांदी हो रही है मम्मी हर की खैर मिठाई तो हम भी खाओगे हाँ ये बेचारे मेरे सामान ढोनिया है अंकल ज्यादा खाने लग गए डाइटिंग की पूरी बालक देखा कर तेरी वीडियो में आ गए की नहीं आ गई हां ई देख लेंगे लाइव फोटो कितने नहीं उन्होंने कहा तेरा नहीं हम तक दे भी ई आ जाएगा अंकल का ई लाइव दिख जाएगा उन्हें हां चल लिपट गया ब्याह था रहा हां चल है चल मिल गया तुमने सूट मिठाई सब कुछ मिल गया मान मिल गया भरली गाड़ी बहुत सही रुकता नहीं जा रहा चलो पचास का नोट दिखा ना मिल रहे हैं तेरे 50 रुपए मिल रहे हैं मैंने के धमकी सुनी तू मेरे ब्याह में लेट था ही ना रुक या मेरी नीलम की बात थी तू क्यों आई क्योंकि नीलम ने मेरे तो बताई और बात ब्याह की मेरी बात है तो मेरे तो बताई बता तूने क्या किया नीलम की बात है अच्छा बताई दुखी कर दी बाय लव यू गाइस बाय चला लाइव यू चले मामा चलना मनाली मनाली चलो पहले दांत ठीक करवा लो मामा तो
पहुंच गए हैं घर पे और अब हम सो रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए हैं और मैं अपनी तबीयत को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहती जो खराब हो रखी है वो। अभी थोड़ा मुझे आराम लग रहा है। अगर मैं बीमार हो गई तो डेली व्लॉग्स नहीं देख पाओगे आप। प्लीज़ कमेंट्स में मेरे लिए प्रे कर देना। पता नहीं एकदम से कैसे बीमार हो गई, कुछ ज़्यादा मतलब बाहर का भी नहीं खाया। तो ठीक है गाइज, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। बाय, गुड नाइट।